जय श्री श्याम, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। और आज मैं और कैलाश जी जा रहे हैं हिसार। कैलाश जी के फ्रेंड के घर कोई फंक्शन है उसमें, और तो आज का ब्लॉग इसी पर होगा। आप मेरे साथ बने रहिए। और हम सुबह 7 बजे निकलने वाले थे। कैलाश जी ने मुझे बोला था कि सुबह 7 बजे चल पड़ेंगे, लेकिन कैलाश जी अभी तक तैयार भी नहीं हैं। अभी उठे हैं और मुझे उठा दिया 4:30 बजे। तो देख लो आप क्या कर रहे हैं कैलाश जी। हाँ जी, तैयार हो गया? अभी नहाने की तैयारी कर रहे हैं। 5 मिनट में हम तैयार हो जाएंगे। मैं नहा चुकी हूँ और मैंने घर का थोड़ा बहुत काम भी कर लिया है, और अभी मैं तैयार हो रही हूँ और फिर चलते हैं। बने रहिए मेरे साथ। मैं हो गई हूँ तैयार और कैलाश जी वेट कर रहे हैं। मैं थोड़ा लेट होगी, जल्दी जल्दी से चलते हैं नीचे। बहुत लेट होगी, मैं जुड़ा करना चाह रही थी लेकिन फोन नहीं करनी पड़ी आज भी। ठीक है मम्मी, चलो जी हमारी दन्नो तैयार है। चल पड़े हैं हम, हमारी दन्नो में बैठ के। प्यारी प्यारी दन्नो है हमारी। आगे बने रहिए हमारे साथ और ब्लॉग को एंड तक देखना जरूर। हम पहुंच चुकी हैं मोहित भैया के घर, और जहाँ पे फंक्शन है। और फंक्शन क्या है मैं अभी बताती हूँ आपको। ये है पूजा दीदी, इनकी सगाई है। और इनसे मिलने, हाँ, और इनसे मतलब इनके फंक्शन में तो आए हैं, और सबसे ज्यादा खुशी मुझे इनसे मिलके हुई है। ये अंजू दीदी है। अंजू दीदी है, मेरे को बहुत ही अच्छे लगती है। पहले एक बार मैं मिल चुकी हूँ और मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि दीदी दीदी थे मिलो। मैंने बहुत ज्यादा यहाँ हो कि दीदी मिलूंगी मैं, आता ही धारा बारा पूछो। तो पूजा दीदी थर सासरा रंग के दियो सारा लाइक कर दिया। रेड उस लाइक कर दिया, देख नहीं हो बताता रे ठीक है। अभी जा रहे हैं, दीदी को हम लेके आए हैं। आते टाइम दीदी तैयार होने गए थे तो ब्यूटीशनर से लेके आए हैं, हमारे साथ ही आए हैं। अब जा रहे हैं, दीदी को गर्मी लग रही होगी, अंदर चलते हैं। जो भी है बहुत ही सुंदर है, और अभी थोड़ी देर में रिंग सेरेमनी चालू होने वाली है दीदी की। हम वेट कर रहे हैं और सब इतनी जल्दी जल्दी में लगे हुए हैं। मैं इनके दोस्तों से आपको इंट्रोड्यूस कराने वाली थी लेकिन उनको टाइम नहीं है। अभी आ जाते हैं। सगाई का प्रोग्राम करीब 2:30 बजे शुरू हुआ था, तो तब तक बहुत सारे रिश्तेदार परिवार वाले और आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए थे, तो भीड़ ज़्यादा थी इसलिए मैं अच्छे से शूट नहीं कर पाई। और यहाँ पे आप देख रहे हो सगाई के पहले सारे रिचुअल्स चल रहे हैं। दीदी को तिलक लगाकर उनका रोका हुआ, और फिर लड़की वालों की तरफ से लड़के का रोका हुआ। अंकल जी ने तिलक लगाकर सारी रस्में पूरी करी। अभी हमने फंक्शन अटेंड कर लिया है, दीदी की सगाई हो गई है और बहुत अच्छे से मतलब एंजॉय करा हमने। और अभी हम जा रहे हैं घर। कैलाश जी और हम, हमारे साथ आते हैं विनोद भैया की फैमिली। मैं विनोद भैया और मोहित भैया से मिलाती हूँ। ये कैलाश जी के दोस्त हैं। हेलो। और ये मेरे दोस्त हैं बस। मोहित भैया की वाइफ और पुनीत विनोद भैया की वाइफ। ये है पुनीत सर जो विदेश जाने वाले हैं। ये है दीदी मेरी नंद भाई सा। और ये हमारा भाई लाडला विदेश जाने वाले हैं।
हम भी आस लगा रहे हैं, हमें भी लेके जाएंगे फिर बुलाएंगे घुमाने के लिए सही। तो अभी हम जा रहे हैं, मिलते हैं आगे, बाय। हिसार से आते टाइम हम आए थे दीदी से मिलने। ये मेरी जिठानी है, वैसे हम मतलब बहनों वाला रिश्ता मतलब शेयर करते हैं है वैसे जिठानी, और ये हमारी गुंजन है इधर। जिठानी नहीं, उसकी बड़ी बहन हुई। हाँ, शादी मानती मेरे को नहीं मानती, मैं जिठानी नहीं मानती, वैसे बहनों वाला बॉन्ड शेयर करते हैं हम। और हम आए थे इनसे मिलने और ये घर पे नहीं मिले कभी। घर में गई हुई थी तो गौर में गौर निकाल दी थी वहां से। हाँ, लेकिन पीछे से आ गई मेरी बहन छोटी। तो फिर अभी थोड़ी देर वेट करने के बाद ये हमारी गुंजन है। ये कब से बोल रही थी चाची मुझे भी वीडियो में ले लेना। तो बोल गुंजन कुछ बोल यार। जय श्री श्याम तो बोल दे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। अभी हम जा रहे हैं और हम लेके आए थे गाड़ी और यहाँ गाड़ी पार्क कर की थी हमने, और इनके दोस्त लेके चले गए गाड़ी, और हम जा रहे हैं ये वाले बाइक पे। मुझे नहीं पता मैं कैसे बैठूंगी साड़ी में तो अभी चलना पड़ेगा, घर जाके काम भी करना है। मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स अभी हम पहुंच चुके हैं घर और टाइम हो चुका है 8:15, और मुझे अभी चेंज करके नीचे जाना है क्योंकि किचन में मुझे काम है। तो मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर करिए, और सब्सक्राइब तो करना ही है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।